करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। साल 2019 के लिए बीजेपी की रणनीति को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे से बीजेपी के बड़े चेहरों पर गाज गिरेगी, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि इसी साल मार्च में यूपी गोरखपुर और फूलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और साथ ही यूपी कैराना महाराष्ट्र के गंदोया भांड्रा लोकसभा सीट पर ही बीजेपी को हार मिली थी और इन्हीं हार के चलते मोदी सरकार ने रास्ता चुना है। आपको बता दें, पार्टी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उमा भारती, राधा मोहन सिंह सहित अपने 150 मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। इससे साफ है कि इन बड़े चेहरों पर गाज गिरेगी, साथ ही इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। अगर बात हम साल 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, जो अब लगातार हार का सामना करने की वजह से सिर्फ 272 रह गई हैं। यानी बीते चार साल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था और जिसके चलते बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठाया है। देखना ये होगा कि क्या वाकई मोदी अपने दाव से साल 2019 में फिर वही इतिहास रचती है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद और परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।